सो हेलो गाइस, मेरा नाम है गौरव एंड यू आर वाचिंग द साइंस सिस्टम। आपने अक्सर भूतिया घर, भूतिया खिलौने, भूतिया कार, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने सुना है भूतिया रेल के बारे में? नहीं ना। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसी रेल जो कि समय यात्रा कर सकती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो ये समय था 14 जून 1911 का, जब इटली से एक जेनेटी नाम की ट्रेन रवाना हुई, जिसमें 106 लोग बैठे थे, जिसमें से 100 लोग पैसेंजर थे और बाकी 6 लोग क्रू मेंबर थे। यह सभी लोग ट्रेन में एक हिल स्टेशन जाने के लिए बैठे थे। उस हिल स्टेशन का नाम स्टेट ऑफ आर्ट लोकोमोटिव था, पर यह सब लोग यह नहीं जानते थे कि उनका यह सफ़र कभी ना ख़त्म होने वाली पहेली में बदल जाएगा। हिल स्टेशन के रास्ते में एक किलोमीटर तक फैली हुई टनल से ट्रेन को होकर निकलना था, पर जैसे जैसे ट्रेन टनल के पास आती रही, तभी उस समय दो पैसेंजरों ने ये नोटिस करा कि टनल के ऊपरी ओर एक गहरा सफ़ेद धुंध जमा हुआ है। साथ ही में टनल से एक हमिंग साउंड बाहर आ रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज था। इन दो यात्रियों को ये ठीक नहीं लगा और जब इन्हें ज़्यादा घबराहट होने लगी तो इन्होंने चलती हुई ट्रेन से ही कूदना वाकिफ समझा। इत्तेफाक तो देखिए दोस्तों कि ये दोनों लोग चलती हुई ट्रेन से कूदने के बावजूद भी बच गए, और यही दोनों लोग इस चीज़ के भी साक्षी बने कि मानो उस रात उस सफ़ेद गहरे धुंध ने पूरी ट्रेन को ही निगल लिया था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि ट्रेन एक छोर से तो अंदर घुसी थी, लेकिन आज तक वो दूसरे छोर से वापस नहीं आई है। हालांकि वहां की पुलिस ने टनल के अंदर जाके इंस्पेक्शन भी किया था कि हो सकता है कि ट्रेन टनल के अंदर जाके ही रुक गई हो, लेकिन ना तो उन्हें टनल के अंदर कोई ट्रेन मिली और ना ही किसी ट्रेन का अर्जा पुर्जा। लेकिन हिस्ट्री में ऐसा काफ़ी बार दावा किया गया है कि इस ट्रेन को काफ़ी और जगह पर भी देखा जा चुका है। जैसे कि मोडेना में रहने वाले कुछ संत महात्माओं का ये मानना था कि उन्होंने एक काफ़ी बड़ी जेनेटी नाम की मशीन को देखा था, जिसके पीछे एक बहुत बड़े पाइप से 3 डब्बे जुड़े हुए थे, और ये भी बताया था कि मशीन के ऊपर एक बहुत बड़ा पाइप था जिससे घबराहट पैदा करने वाला काला धुआं निकल रहा था, और पीछे के 3 डब्बों से काफ़ी सारे लोग बाहर निकल रहे थे जो कि बिना दाढ़ी वाले थे, साथ ही उन्होंने काले कपड़े पहन रखे थे। उस समय यह पता लगाया जा सकता था कि ये सब लोग उस ज़माने के नहीं थे, वो किसी और ज़माने से आए हुए थे। संत महात्माओं का कहना था कि वो भविष्य से आए हुए लोग लग रहे थे। ये सब कुछ वहाँ के एक आदमी ने रिकॉर्ड कर लिया था, और आज भी ये रिकॉर्ड कैस्ट्रा सोलिया के एंशिएंट रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसकी रक्षा सेटजिनो फैमिली कर रही है। और ज़रा इत्तेफाक तो देखिए कि जो दो आदमी ट्रेन से बाहर कूदे थे, ये फैमिली उनमें से ही किसी एक की थी। जब इसने इस रिकॉर्ड को पढ़ा तो उसे ये कहानी कुछ अपने ही जैसी लगी। इसे देखते ही वो ये समझ गया था कि जेनेटी ट्रेन किसी ना किसी तरह से समय के अंदर यात्रा कर रही है, और इस घटना में वो 1911 से गायब होकर पास्ट में जाकर 1840 में दिखी है। उस रिकॉर्ड के मुताबिक ये ट्रेन 1911 से गायब होने के बाद 1840 में मैक्सिको सिटी रशिया में जाकर मिली। हैरान करने वाली बात ये थी कि जेनेटी रेल से जो लोग टनल में जाकर गायब हो गए थे, उन लोगों की संख्या भी 104 थी, और वो सभी इटालियन थे। और 1840 में मैक्सिको में अनजानी ट्रेन से उतरे ये लोग भी 104 थे, और ये सभी भी इटालियन थे। जब इन्होंने समझाने की कोशिश की ये कि ये इटली से एक हिल स्टेशन की ओर निकले थे, तो लोगों ने ये मानने से इनकार कर दिया कि कोई ट्रेन इटली से रशिया आ सकती है, वो भी जब जब इन दो कंट्रियों के बीच समुद्र के अलावा और कुछ नहीं हो। इन 104 लोगों के अजीब बिहेवियर के कारण उन्हें मेक्सिको के एक पागलखाने में डाल दिया गया। हालांकि इस बात से मुकरा नहीं जा सकता कि वहां मौजूद 104 यात्रियों में से एक यात्री के पास एक तंबाकू का डब्बा मिला, जिस पर लिखा था सन 1907, यानी कि 1840 से 67 साल बाद बनने वाले डब्बे को 1840 में ही पा लिया गया था।
इस चीज़ ने इन लोगों के केस को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था। लोगों को लगने लगा कि क्या सही में कुछ ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से टाइम ट्रेवल किया जा सके, समय यात्रा हो सके, क्योंकि जिस ट्रेन से ये लोग उतरे थे, इनके उतरने के कुछ समय बाद से ही वो ट्रेन भी लापता हो गई। इस रिकॉर्ड को पढ़ने के बाद से ही वो व्यक्ति थोड़ा सा दंग रह गया, और जब उसने आसपास के पुलिस वालों को इसके बारे में बताया तो ये घटना बिल्कुल सच्ची निकली। उसी के बाद से टनल को दोनों ओर से बंद कर दिया गया। हालांकि युद्ध में हुई बॉम्बार्डमेंट से ये आज क्षतिग्रस्त अवस्था में आ चुका है, लेकिन शुरू से ही इस ट्रेन को काफ़ी जगह पर देखे जाने का दावा किया गया है। जैसे कि 1955 में यूक्रेन में एक आदमी ने रेलवे ट्रैक पर जनरल ट्रेन को देखने और अचानक गायब हो जाने का दावा किया है। तब से ही वो ट्रैक यूज़ में नहीं लाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सही में जेनेटी आज भी समय यात्रा कर रही है, और क्या हुआ होगा 1904 लोगों का, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर हफ्ते आपको मिलती रहे एक अमेजिंग वीडियो। इसी के साथ मैं गौरव मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।